अस्सलाम वालेकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिफ्थ का फोर्थ एडिशन है, प्रॉब्लम 3.21, चैप्टर 3 है पोटेंशियल का। वो कहता है पोटेंशियल बताओ आउटसाइड द चार्ज मैटर स्फीयर। एस उस स्फीयर पे चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, उसे प्लेस किया गया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट पे। फिर वो ये कहता है कि एक्सप्लेन करें कि आप जीरो पोटेंशियल पे बैठे हुए हैं और वो जीरो पोटेंशियल कहाँ पे है, यानी स्फीयर पे। फिर अगर हम देखें कि सुपरपोजिशन पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज, अगर चार्ज क्यू है सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ, फर्ज कर रहे हैं हम, तो पोटेंशियल जो इंड्यूस चार्ज करेगा, हम कहेंगे वो डिटरमिन करेगा पोटेंशियल आउटसाइड द चार्ज मैटरस्फीयर, यानी हमने पॉइंट चार्ज को ओरिजिन किया है सेंटर पे। अगर ऐसा है तो एजीमुथल सिमेट्री होगी, यानी स्फीयर में फाई चेंज नहीं होगा फिर, तो आपके पास आर थीटा फाई में डिपेंडेंट सिर्फ आर थीटा रह गए। तो इसका मतलब अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहेंगे तो वी वन आर थीटा के क्यू बाई आर आ जाएगा, जनरल फार्मूला जो हमारे पास होता है। अब इस पर बाउंड्री कंडीशन देखते हैं तो हम कहेंगे कि भाई आपके पास स्फीयर तो इक्विपोटेंशियल होगा क्योंकि हमने चार्ज को ओरिजिन पे रखा है, ओरिजिन पे रखा है तो सेंटर से दूरी हर जगह पे सेम एक जैसी होगी, तो इसका मतलब पोटेंशियल जो आपके पास है एक जैसा होगा। अगर अब हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि सफियर पे पोटेंशियल जीरो है तो इसका मतलब जितनी एक्स वाई प्लेन हम देखेंगे वो जीरो पोटेंशियल पे होगी। तो वी इज इक्वल टू आर को कैपिटल आर जब हम लेंगे तो हम उसे थीटा ज्यूम कर रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं। अब अगर हम सफियर से दूर जाते हैं तो फील्ड में, तो आप कहेंगे इज इक्वल टू ई नॉट जी एक्सिस पे आपने फील्ड रिप्लेस कर दी, जब आर इंफिनिटी पे होगा तो माइनस ई नॉट जी प्लस सी आ जाएगा। अब इस चीज को समझने के लिए हम कह देते हैं कि जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, यानी अपवर्ड भी जी एक्सिस होगा, डाउनवर्ड भी जी एक्सिस होगा, पॉजिटिव जी से नेगेटिव जी पे, तो इक्विपोटेंशियल प्लेन अगर हम एक्स वाई प्लेन जहाँ पे जी की वैल्यू जीरो है, तो हमने तो एक्स वाई प्लेन ली थी, एक्स वाई प्लेन का मतलब जेड जीरो है, तो इसका मतलब आपके पास जो सर्फिस है कंडक्टिंग स्फीयर की उसका पोटेंशियल होगा छोटा आर कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा, थीटा पाई बाई टू आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा जब जेड जीरो है। अगर हम z को माइनस z रिफ्लेक्शन सिमेट्री में देखते हैं तो तमाम इक्विपोटेंशियल जो प्लेन होगी वो भी सेम पोटेंशियल पे होगी, हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल प्लेन का यानी इंटायर इक्विपोटेंशियल प्लेन आल्सो एन इक्विपोटेंशियल, तो हम यहाँ पे इसे भी जीरो कर देंगे जब r इंफिनिटी पे जाएगा, तो हम कहेंगे ये हमें बताता है कि c जीरो है, तो आपका वी आर थीटा जो है वो माइनस सी नॉट वी या माइनस सी नॉट आर कॉस थीटा स्फीयर में से निकाला जा सकता है। अब आपके पास ये अगर आप स्फीयर बनाएं, स्फीयर के कंपोनेंट्स बनाएं तो वी आर कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। अब ये विद इन हम देखेंगे कंडीशन लगा के छोटा आर या बड़ा, तो वी जीरो है जब आर बराबर है आर के, वी बराबर है माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा जब आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। तो इस बाउंड्री कंडीशन को हम लगाते हैं, ये हमारे पास लैपलेस इक्वेशन है का सोल्यूशन है जब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट से देखते हैं। तो अब हम जानते हैं पोटेंशियल जीरो करना है, तो पी एल कॉस थीटा तो जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट वाली चीज को इक्वल टू जीरो करना है, और बी एल की वैल्यू हम जानते हैं कि माइनस एल टू आर टू एल प्लस वन होती है, वो वैल्यू हम इस फार्मूले में प्लेस करके जनरलाइज इस फार्मूले में लगा देते हैं। अब आपके पास इस जगह पे ये जो जिसे मैंने हाईलाइट किया है इसमें से ए एल कॉमन उठा लिया, अब आपने रिमेनिंग फैक्टर हम कहेंगे आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो नीचे वाला फैक्टर जब बहुत बड़ा होगा तो इसका जवाब तो इनसे छोटा आएगा, हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हम कहेंगे सेकंड बाउंड्री कंडीशन के लिहाज से अब हमारे पास रिमेनिंग टूल ये बच चुका है। तो अब हम जानते हैं कि v तो बराबर है किसके, माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा के, तो इसकी लेफ्ट साइड पे वो प्लेस कर देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक टर्म एक्सपेंशन में ऐसी मौजूद है जो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, वो है एल इज इक्वल टू वन, तो हम कहेंगे पी वन कॉस थीटा होता है, तो हम इधर ए वन आर वन कॉस थीटा और इधर माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, या आर कॉस थीटा से कट जाएगा, ए वन बराबर आ जाएगा माइनस ई नॉट के, तो ए एल की वैल्यू जीरो होगी जब एल वन नहीं होगा, यानी इसके वन के अलावा तमाम वैल्यू से उसकी वैल्यू जीरो होगी। अब ए एल की वैल्यू को बी एल में प्लेस किया जा सकता है और हम जानते हैं कि भाई ये आपके पास वन 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 की वैल्यू आ जाएगी, ए वन की जगह माइनस ई नॉट आ जाएगा, तो बी वन की जगह ई नॉट आर क्यूब लगाया जा सकता है। वापस इस जगह चले जाते हैं जनरल टूल में, वन 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 लगा देते हैं, जहाँ ए वन आ रहा है बी वन आ रहा है उसकी वैल्यू प्लेस कर दी, ई नॉट कॉमन ले लेंगे, पी वन कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो आर माइनस आर क्यूब बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा आ जाता है। तो अगर हम टोटल पोटेंशियल देखें तो एक पोटेंशियल हमने निकाला था के क्यू बाई आर और एक ही आ गया वी टू आर थीटा, इसकी वैल्यू प्लेस कर दी। अब इसमें ये आपके पास के की वैल्यू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की लैंग्वेज में लिखी जा सकती है, इसमें से भी आर कॉमन करके इसे लिख दिया, तो ये हमारा जनरलाइज टूल बन गया फॉर, यानी हम आउटसाइड द स्फीयर चार्ज मैटर स्फीयर के जब पोटेंशियल देखेंगे तो इस टूल से निकल सकता है।
तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कुछ बात पूछनी हो, डाउट होने कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बस इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।